हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन स्कूल, यानी कि विद्यालय में अध्यापक की भूमिका। तो इस विषय में एच जी वेल्स लिखती हैं, टीचर इज द रियल बिल्डर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। ये वास्तविकता है क्योंकि जो गतिविधियाँ होती हैं विद्यालय की, उसमें अध्यापक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी संबंध में इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखता है। द टीचर्स प्लेस इन सोसाइटी इज ऑफ वेटल इम्पोर्टेंस। ही एक्ट्स एज द Powered for the transmission of intellectual traditions and technical skills from generation to generation and helps to keep the lamp of civilization burning. अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी है क्योंकि योजनाएं बनाने में अध्यापक जितना ध्यान देते हैं, अध्यापक के क्रियाकलाप उतने ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और योजनाएं उतनी ही सफल होती चली जाती हैं। According to the Kothari Commission, of all different factors which influence the quality of good education and its contribution to material development, the quality, competence and character of the teacher is undoubtedly the most significant. कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा को गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्व निसंदेह सर्वोपरि है। अन्य स्थान पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल एवं समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव, उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर ही आधारित होता है। अब हम आगे देखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर, यानी कि अध्यापक के उत्तरदायित्व। अध्यापक पर कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं? शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का दायित्व सिर्फ कक्षा में पढ़ाना और छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना मात्र नहीं है, वरन उसे अन्य दायित्वों की भी पूर्ति करनी पड़ती है। जो दायित्व है वो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी क्रमशः, जिस प्रकार से है। सबसे पहला है एक्वायरिंग स्टूडेंट नॉलेज, यानी कि छात्रों का ज्ञान अर्जन करना, यानी कि जो भी विषय पढ़ा रहा है अध्यापक उस विषय से उसको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी की छात्र की समझ में आया या नहीं आया और उसको छोड़ दिया, टाइम पूरा कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर का पूरा दायित्व है कि अध्यापकों को ज्ञान प्रदान करे, यानी कि ज्ञान अर्जन, उन्हें ज्ञान जो है ग्रहण कराए। जब तक नॉलेज छात्रों को नहीं होगी तब तक उसको उसका जो पढ़ाने का है उसका कोई भी फायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपिंग द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स। मुख्य बात यह है कि अध्यापक का कि वह छात्रों के चरित्र का निर्माण करे, उनके चरित्र का विकास करें। जब तक कैरेक्टर का विकास नहीं हुआ तब तक पढ़ने का ही कोई फायदा नहीं है, यानी कि उसकी शिक्षा का ही कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक अध्यापक का महत्वपूर्ण दायित्व बनता है कि उसके लिए नैतिक शिक्षा प्रदान करे, साथ साथ चाहे किसी भी विषय का अध्यापक है उसे सही बातें बताए, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि संस्कृत में भी कहा गया है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति आयाति च। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और चला जाता है। और बाद में भी ये कहा गया है कि चरित्र के एक बार नष्ट हो जाने पर वापस नहीं आता है, लेकिन धन के नष्ट हो जाने पर धन वापस कमाया जा सकता है। इसलिए चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। एक अध्यापक का ही दायित्व होता है क्योंकि पेरेंट्स अपने जो बच्चे होते हैं उनको एक अध्यापक को ही सौंप देते हैं उनका चरित्र निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था करना। व्यवस्था से यहाँ तात्पर्य यह है कि कक्षा में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। किन बच्चों को आगे बैठाना है, किन बच्चों को पीछे बिठाना है, कौन बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, किस तरह से शिक्षा प्रदान करना है, या फिर
अन्य व्यवस्थाएं क्लासरूम में हैं या नहीं है, उन चीजों को भी देखना होता है। तो ये अध्यापक का मुख्य दायित्व है कि कक्षा की सुचारू रूप से व्यवस्था करे, किस समय यानी कि किन दिनों में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि टाइम टेबल में ये भी रहता है कि एक अध्यापक अगर दो विषय पढ़ा रहा है तो फिर सोमवार मंगलवार बुधवार या फिर इस तरह से कुछ डिवाइडेड कर दिया जाता है, तो उस चीज का भी व्यवस्था में ध्यान रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको अध्यापन कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना। अध्यापक का केवल इतना ही कार्य नहीं है कि पढ़ाया और बस आगे पढ़ाने का सोच लिया, उसका ये है कि एक नियम बना लेना चाहिए कि कितने दिन बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाना है। जो परीक्षाएं स्कूल की होती हैं, विद्यालय की होती हैं, उनसे तो उनका तो अलग ही रूपरेखा बनी हुई होती है, लेकिन एक अध्यापक को बीच बीच में भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए, चाहे टेस्ट के माध्यम से चाहे ऐसे ओरल ही मूल्यांकन कर लिया जाए, तो इससे जो है प्रगति होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग अप्रोप्रिएट वैल्यूज विद इन स्टूडेंट्स। छात्रों के अंदर उचित मूल्यों का विकास करना, ये वही जीवन होता है जिसमें मूल्यों का विकास होता है। छात्र जीवन में ही मूल्यों का विकास हो सकता है, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे सत्य अहिंसा चोरी ना करना आदि जो मूल्य हैं, वह इनकी आदत जो है इन्हीं कक्षाओं से यानी कि शुरू में जब बच्चा पढ़ने बैठता है और जब तक पढ़ाई करता है तभी उनका विकास हो सकता है। तो एक अध्यापक को चाहिए कि वो स्वयं ही सत्य बोले जिससे कि छात्रों पर इसका प्रभाव पड़े, स्वयं ही सही रास्ते पर चले जिससे कि छात्र भी सही रास्ते पर चले, इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परफॉर्मिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराना। केवल किताबी ज्ञान ग्रहण करते करते छात्र बोर हो जाते हैं, इसलिए एक अध्यापक का महत्वपूर्ण दायित्व तो बनता है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराए, जैसे कि विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, सुलेख प्रतियोगिता है या फिर चार्ट प्रतियोगिता है, या भी कोई टॉपिक दे दिया ड्राइंग में उसकी प्रतियोगिता करा दी, या सिंगिंग है या फिर व्यायाम आदि की जो प्रतियोगिताएं होती हैं वह भी करा देनी चाहिए। यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बहुत सारी क्रियाएं आती हैं जो कि कराते रहना चाहिए, जिससे कि छात्र का मन प्रसन्न भी रहता है और पढ़ने में भी रुचि लेते हैं। खेल कूद आदि की प्रतियोगिताओं से छात्रों का मानसिक शारीरिक विकास भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्विंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, छात्रों की समस्याओं का समाधान करना। अध्यापक को जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि छात्र पढ़ तो रहा है, बुक उसके हाथ में लगी हुई है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो 2-4 दिन छुट्टी पर रहा हो अथवा उसकी जो शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, कहने का तात्पर्य हो सकता है कि बीमार हो। तो इस चीज का अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए, और जो उसकी समस्याएं हैं, अगर मान लीजिए कि 2-4 दिन स्टूडेंट स्कूल में नहीं आया है, कोई कारण हो सकता है, तो उसका जो काम पीछे छूट गया है अलग टाइम देकर उसको कराना चाहिए, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डायरेक्टिंग एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स एज रिक्वायर्ड, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार निर्देशन और परामर्श देना। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें लग रहा है जहाँ पर छात्र सही स्थिति में नहीं चल पा रहे हैं, या फिर सही से ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या फिर जो स्कूल है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है जो मूल्यांकन में उनका मार्क्स वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, तो छात्रों की आवश्यकता के अनुसार जो है एक अध्यापक छात्रों को निर्देशन और परामर्श दे सकता है, जिससे कि छात्र अपनी प्रगति ठीक प्रकार से कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है मेक स्टूडेंट्स कैपेबल सिटीजन्स, छात्रों को कुशल नागरिक बनाना, क्योंकि ये निर्माण की अवस्था होती है। और जैसा कि एच जी वेल्स ने पहले भी कहा है, टीचर इज द रियल बिल्डर ऑफ हिस्ट्री, कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक ही है, इसलिए छात्रों को कुशल नागरिक बनाने का दायित्व भी एक अध्यापक पर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेटिंग सोशल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, छात्रों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, यानी कि समाज में किस तरह से रहना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की सेवा करनी है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी, तो ये सारी कुशलताएं स्किल्स का ज्ञान जो है एक अध्यापक ही देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।